एयर इंडिया एक्सप्रेस का संकट अभी टलने के जो आसार हैं वो दिखाई पड़ नहीं रहे। हालांकि मैनेजमेंट ने क्रू मेंबर्स को अल्टीमेटम दे दिया है, सख्ती बरती है और कहा है कि वो आज शाम 4 बजे तक अगर काम पर नहीं लौटे तो उनकी नौकरी जा सकती है। यानी ठीक ये जो समय इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट ने क्रू मेंबर्स को अपना जो कोई ना कोई फैसला कर सकते, हो सकता है कि अगले कुछ मिनटों में, हम आपको यही खबर बता रहे हैं। फिलहाल 30 क्रू मेंबर्स को बर्खास्त किया जा चुका है। ये लोग सिक लीव पर, मास सिक लीव पर, यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उन्होंने छुट्टी का आवेदन कर दिया था, जिन्हें नौकरी से निकाला गया है। इधर आज फिर से एयर इंडिया एक्सप्रेस की करीब 85 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। इसकी वजह से हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कुछ की दूसरी जगहों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स थी वो छूट गई, कुछ लोगों के लिए जो अहम काम थे वो उनको नहीं कर पाए, नहीं पहुंच पाए समय से। तो कुल मिलाकर जो मैनेजमेंट और क्रू के बीच में, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का क्रू है उसके बीच की जो तनातनी है, उसके बीच की जो लड़ाई है, उसका खामियाजा जो है वो आम जनता इस वक्त भुगतती नजर आ रही है। मेरे सहयोगी वैभव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैभव, आपसे बात समझना चाहता हूं कि कुल मिलाकर जो पूरा लड़ाई चल रही है मैनेजमेंट और क्रू के बीच में, क्या कोई बीच का रास्ता निकालने की पहल की जा रही है, क्योंकि खामियाजा जो है वो लगातार आम यात्री उठा रहा है। बिल्कुल, आम जो पैसेंजर हैं, जो जिन्होंने एयर इंडिया एक्सप्रेस का पहले से टिकट कटा कर रखा था, अब उनको जो कैंसिलेशन की समस्या हो रही है, यात्रियों को इनकन्वीनियंस हो रही है, उसकी वजह से वो परेशान हैं। लेकिन मैनेजमेंट ने सुबह ही एक तरह से आखिरी बार कह दिया था कि 4 बजे तक जितने भी क्रू मेंबर्स पायलट्स हैं जो सिक लीव पर गए हैं वो अपने रोस्टर के मुताबिक ज्वाइन कर लें। 30 लोगों को उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, तकरीबन 300 के आसपास ये एम्प्लॉयज़ हैं जिसमें से 30 चले गए हैं। अगर ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये ज्वाइन बैक नहीं करते हैं 4 बजे तक, जो कि समय पूरा हो चुका है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं तो हो सकता है कि और भी लोगों को कंपनी बर्खास्त करे, और जो कंपनी है वो ज़्यादा आगे आने वाले मतलब समय में, हमें ऐसी खबर भी सुनने को मिल सकती है कि और कुछ लोगों को निकाला गया है। लेकिन इस सब के बीच सबसे ज़्यादा परेशान है यात्री। दूसरी तरफ मैनेजमेंट भी अभी तक अपने जो कर्मचारी हैं उनको मनाने में कामयाब नहीं होता हुआ दिख रहा है। अब सबसे बड़ी बात है कि आज शाम से कल सुबह तक जो जिनकी भी एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है, अभी तक उनके लिए कोई भी राहत की खबर नहीं है। कोई राहत की खबर नहीं है। जो लोग हैं, जो इस टाउन हॉल में क्या कुछ रास्ता निकलेगा, 4 बजे तक क्या लोग पहुंचेंगे, वापस नहीं पहुंचेंगे, बहुत सारे सवाल इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ इस पे ज्यादा चर्चा करने के लिए JS बाबा साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व महाप्रबंधक रहे हैं एयर इंडिया के। सर, मैं सबसे पहले AAI के, माफ कीजिएगा, मैं सबसे पहले सर आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये जो मामला है पूरा मैनेजमेंट और एयर इंडिया एक्सप्रेस का, दर्शक इसको कैसे समझे? मतलब क्या ऐसी परेशानी हुई कि इतने सारे लोगों को, इतने सारे एम्प्लॉयज को, 300 से ज्यादा एम्प्लॉयज ने इस तरीके से एक बागी होने का फैसला लिया? मेरे को आपकी आवाज थोड़ी कम, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है सर। राइट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब ये कई दिनों से पैसेंजर तो परेशान है, और हमारा तो एज एयर ट्रेवल एसोसिएशन पहला दे तो यही होता है कि पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस कम होनी चाहिए, और एविएशन एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर हर टाइप के चैलेंजेस को फेस करने की क्षमता हर स्टेक होल्डर के अंदर है। और अच्छी बात पहले बताने में ये अच्छा लगता है कि अब की बार इस नोटिस के अंदर, क्योंकि DGCA के डायरेक्टिव बहुत क्लियर है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डायरेक्टिव बहुत क्लियर है, तो एयर इंडिया ने ये अच्छा बोला है कि टिकट की कैंसिलेशन हो जाएगी, और टिकट अगर रीरोस्टर करना है तो वो भी वो कर। बट एक चीज जहां पर पैसेंजर्स की इनकन्वीनियंस को अगर बिल्कुल जेनरली वो एड्रेस करना चाहते हैं, तो आई रिमेम्बर एक बार मैं कहीं फॉरन के अंदर लोकल पर कहीं फंस गया था, तो उन्होंने इमीडिएटली बोला कि सर कोई बात नहीं, आपकी फ्लाइट मिस होगी, आप नेक्स्ट फ्लाइट में आपको एडोस कर देते हैं। मैंने सोचा आपकी नेक्स्ट फ्लाइट इतनी जल्दी है, उसने बोला नहीं, क्योंकि दूसरी एयरलाइन की है, मैं टिकट वहां पर एंडोर्स कर दूंगा। तो हमें अब ये चाहिए इस दौरान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, DGCA और एयरलाइन, बाकी एयरलाइन एक ऐसा मैकेनिज्म बनाए जिसमें इस टिकट को अगर किसी साइड में दूसरी एयरलाइन की टिकट जा रही है, ये उसको एंडोर्स करें, और फाइनेंशियल चीजें बाद में एडजस्ट होती रहेंगी,
और उसमें असली सुविधा पैसेंजर की होगी। तो ये बिल्कुल टाइप है, और ये आगे के लिए सभी एयरलाइंस का एक म्यूचुअल ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बन जाए कि ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि इस टाइप की सिचुएशन नहीं तो नहीं है हमारे लिए, हम इसको फेस करते रहते हैं, तो ये मेरा एक इमीडिएटली तो यही बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए कि जो यात्री हैं, जो लोग इस एयरलाइंस का टिकट लेकर टिकट खरीद रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनकी उनके ऊपर इस तरह का परेशानी उनको नहीं होनी चाहिए। लोगों को खासी परेशानी हो रही है, और ये सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, लोगों को जरूरी काम से जाना होता है, कनेक्टिंग फ्लाइट्स होती हैं, बहुत नुकसान इस तरीके से लोगों का हो रहा है। शंकर अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सचिव हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहूंगा, ये जो एयरलाइन ने इस वक्त फैसला लिया है सर, कुछ लोगों ने जिस तरीके से 300 से ज्यादा बताया जा रहा है कर्मचारियों ने सिक लीव ली, मास सिक लीव ली, उनका एक विरोध जताने का तरीका था, जो भी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे बातचीत चल रही होगी, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? 30 लोगों को निकाल दिया गया है, बाकी को अल्टीमेटम दिया गया है, क्या क्या ऑप्शंस हैं यहां कर्मचारियों और एयरलाइंस के सामने? देखिए, पहली बात तो यह है कि प्रोटेस्ट करना मौलिक अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसेंजर्स को या बाकी जो दूसरे लोग आ गए हैं, दोज हु आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द एयरलाइन, उसको आप परेशानी में डालें। अगर उनकी कोई भी डिमांड है वो अपनी डिमांड दे सकते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड कि मैनेजमेंट एंड वर्कर्स अक्रॉस द टेबल बैठ के अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन सडनली सिकली पे चले जाना, एक वाइल्ड स्ट्राइक कर देना, दीज आर नॉट गुड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशली फ्रॉम द वर्कर्स साइड। और अगर वर्कर्स को ये समझाने के बाद भी कि उनकी जितनी भी डिमांड्स हैं, जितने भी उनकी ग्रीवांसेस हैं, दोज विल बी लुक्ड इनटू, उसके बावजूद भी वो इस तरह का बिहेवियर करते हैं, देन व्हाटएवर एक्शन हैज बीन टेकन बाय द एयरलाइन, आई पर्सनली फील दिस इज जस्टिफाइबल। तो क्या जो जैसे ये भी सुनने में आ रहा है कि जो जिन कर्मचारियों को निकाला गया है वो लेबर कमिश्नर से मिल रहे जा रहे हैं, तो क्या लेबर कमिश्नर इसमें कोई दखलअंदाजी कर सकते हैं? वो क्या कुछ रास्ता निकलवा सकते हैं? डेफिनेटली इफ इट कम्स अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो सडनली द लेबर कमिश्नर कैन लुक इनटू इट, बट दैट डज नॉट मीन कि एकदम से सडनली आप एक वाइल्ड स्ट्राइक कॉल कर दें, जिससे बहुत सारे लोग, मान लो किसी को अपने पेशेंट को लेके जाना है, किसी का कोई और एग्जामिनेशन है, किसी का कोर्ट में हियरिंग है, दीज थिंग्स आर नॉट डन इन एनी सिविलाइज सोसाइटी। वी आर एक्सपेक्टेड टू सिट अक्रॉस द टेबल एंड फाइंड आउट अ रीजनेबल सॉल्यूशन। लेकिन अगर मान लो कुछ और भी उनको करना है तो कुछ और करना चाहिए, बट ये वाइल्ड स्ट्राइक करना किसी भी हद किसी भी दृष्टिकोण से मेरे ख्याल से वाजिब नहीं था।